वेलकम बैक टू द वीडियो। वीडियो में बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम की मल्टीपल पोस्ट में म्यूजिक को कैसे ऐड करें, या फिर इंस्टाग्राम पर फोटो डालते समय जैसे कि आप 3-4 फोटो डालते हो उसमें आपको म्यूजिक कैसे ऐड करना है, कैसे आप उसमें सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। और कुछ बंदे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अकाउंट पर म्यूजिक का ऑप्शन ही नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो डालते समय म्यूजिक का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको कैसे लाना है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। बट उससे पहले यहाँ पर हम जानते हैं इंस्टाग्राम पर फोटो डालते समय म्यूजिक को कैसे ऐड करते हैं, यानी कि कैसे हम गाना लगाते हैं, ठीक है, फोटो पर कैसे हम सॉन्ग वगैरह लगा सकते हैं। तो गाइस उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। जिसे आप इंस्टाग्राम को ओपन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ प्लस आइकन मिलता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको पोस्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। जैसे आप इसमें आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपने जितने भी फोटो क्लिक कर रखे होंगे, फिर जितने भी फोटो यहाँ पर आपने एडिट वगैरह कर रखे होंगे, जो भी आप अपलोड करना चाहते हो यहाँ पर आपको टॉप में शो कर जाएंगे, या फिर यहाँ पर आप अपनी गैलरी से सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 4 फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जैसे ही किसी भी फोटो पर टैप और होल्ड करोगे तो यहाँ पर आपके सामने मार्क का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप एक साथ 4 फोटो को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सेकंड फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, थर्ड को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैं 4th फोटो को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहां पर मैंने 4 फोटो को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहां पर आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जिसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद गाइस यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहां से आप जिस भी फोटो को चाहो उस फोटो पर क्लिक करके उस फोटो को यहां पर एडजस्ट भी कर सकते हो। एडिट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, यहां से आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। आप जहां पर भी जाओ उसको एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही यहां पर आपको इंस्टाग्राम के अंदर ही काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे आप अपने फोटो को और ज्यादा बेहतर बना सकते हो, ठीक है। ये चीज आप सुनिए, यहां पर मैं इसको डन कर देता हूं, यहां पर मैंने इसको डन कर दिया है। ये चीज आप सुनिए, यहां पर बात करते हैं कैसे आपको अपने फोटो पर सॉन्ग को लगाना है, ठीक है। तो गाइस देखिए यहां पर आपको टॉप में म्यूजिक ऑप्शन शो कर जाता है। अगर आपको यहाँ पर म्यूजिक ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे ही नीचे की तरफ आओगे यहाँ पर भी आपको एड म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन आप में से काफी बंदे ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर भी म्यूजिक ऑप्शन शो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अब उनको म्यूजिक ऑप्शन कैसे लाना है वो भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। बट उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फोटो पर म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको सिंपली एड म्यूजिक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने काफी सारे सॉन्ग आ जाते हैं। अगर आप चाहो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, यानी कि जो भी सॉन्ग आपको पसंद है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं मोटिवेशनल सर्च कर लेता हूं। आप मतलब जिस भी तरह का चाहते हो, सैड चाहते हो यहां पर आपको सैड सर्च करना है। और अगर आपको पंजाबी सॉन्ग चाहिए तो यहां पर आपको पंजाबी सर्च कर देना है। जैसे आप पंजाबी सॉन्ग सर्च कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने सभी पंजाबी सॉन्ग आ जाएंगे, ठीक। उसी तरह से यहां पर आपको जिस भी तरह का सॉन्ग चाहिए यहां से आप सर्च कर सकते हो। साथ ही यहां पर आपको उस म्यूजिक को प्ले करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपको जिस भी म्यूजिक को प्ले करके देखना है या फिर सुनना है तो आपको सिंपली उसी सॉन्ग के प्ले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एंड यहां से आप सुन सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं यही वाला म्यूजिक ऐड कर लेता हूं, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सिंपली उसी म्यूजिक पर क्लिक कर देना है। जिसे आप म्यूजिक पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा। यहां से आप अपने फोन को सिलेक्ट कर सकते हो कि यहां पर आपको उस सॉन्ग की कौन सी लाइन चाहिए, ठीक है। आप यहां से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां से मुझे ये सॉन्ग चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहां पर आपको राइट निशान पर क्लिक कर देना है, एंड यहां पर आपका म्यूजिक रेडी है, ठीक है। जैसे आप शेयर बटन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके फोटो शेयर हो जाएंगे, एंड जो भी बंदा आपके फोटो को देखेगा तो उसको वहां पर म्यूजिक सुनाई देगा, ठीक है। ये चीज तो आप सुनकर यहां पर बात कर देंगे। अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर म्यूजिक का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो भाई आपको उसको कैसे लाना है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर हम प्रोफाइल पर ही आ जाते हैं। आप में से काफी सारे बंदे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे भाई जिसके अकाउंट पर ज्यादा फॉलोअर होते हैं उन्हीं को यहां पर म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस अकाउंट पर 0 फॉलोअर है ना उस पर भी यहां पर आपको म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाएगा। गाइस जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने इस अकाउंट को स्विच कर लिया है, इस अकाउंट पर 0 फॉलोअर है, 0 पोस्ट है, एंड यहां पर मैं आपको इस अकाउंट पर मल्टीपल पोस्ट को यहां पर डाल के दिखाता हूं। साथ ही यहां पर म्यूजिक भी ऐड करूंगा, यानी कि सॉन्ग को भी यहां पर ऐड करूंगा आप ही के सामने। आप यहां पर देखिए प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, एंड यहां पर फिर से इन 4 फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने 4 फोटो को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखिए म्यूजिक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। साथ ही हम जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहां पर भी हमें ऐड म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कोई भी म्यूजिक लगा लेता हूं, ठीक है। मैंने यही ऐड कर लिया, उसके बाद राइट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद चलिए अब यहां पर हम इसको शेयर कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखो यहां पर हमने इसको शेयर कर दिया है, एंड यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर अभी फोटो शेयर हुए या नहीं, साथ ही यहां पर म्यूजिक अभी सुनाई दे रहा है या नहीं। इस अकाउंट पर मैंने मल्टीपल पोस्ट को डाला है, साथ ही यहां पर म्यूजिक की भी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, ठीक है। हम इस पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं, आप यहां पर देखिए, ठीक है। अभी मैंने इसको म्यूट कर दिया है, जैसे ही मैं इसको म्यूट करूंगा आपको म्यूजिक की आवाज आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको म्यूट ही कर देता हूं। ये डाउट तो आपका क्लियर होगा कि यहां पर फ्लोर बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। आपके अगर 0 फ्लोर है तो भी यहां पर आपको म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट पर म्यूजिक का ऑप्शन अभी तक नहीं आया तो आपको कैसे लाना है, चलिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर आपको प्लस आइकन पे ही क्लिक करना है, एंड उसके बाद यहां पर आपको पोस्ट पे आने के बाद यहां पर आपको अपने 4 फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फिर 2 फोटो को जितने भी आप फोटो सिलेक्ट करते हो या फिर जितने फोटो सिलेक्ट करने पर यहां पर आपका म्यूजिक ऑप्शन नहीं आता है उतने फोटो यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, एंड उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे
करेंगे अब यहाँ पर आपका म्यूजिक ऑप्शन नहीं शो कर रहा होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है भाई, आपको इस वाले इंटरफेस का भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, साथ ही यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद लोडिंग होकर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको एड म्यूजिक का ऑप्शन शो नहीं कर रहा होगा, तो भाई ऐसे में आपको करना क्या भाई, आपको इस वाले इंटरफेस का भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली इसको बैक कर देना है। जैसे आप इसको बैक कर देंगे अब इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल पे आना है, यहाँ पर आपको थ्रेन पे क्लिक करना है एंड सबसे नीचे की तरफ आ जाना है। आप सबसे नीचे की तरफ आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे की तरफ हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली रिपोर्ट प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे की तरफ सेक फोन टू रिपोर्ट प्रॉब्लम का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको डिसेबल कर देना है एंड यहाँ पर आपके सामने रिपोर्ट प्रॉब्लम का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको इंक्लूड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट ले लेता है, तो यहाँ पर आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली इन स्क्रीनशॉट को यहाँ से हटा देना है एंड यहाँ पर आपको अपलोड पे क्लिक करके दोनों स्क्रीनशॉट ऐड कर लेना है जहाँ पर आपका म्यूजिक का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक स्क्रीनशॉट ऐड कर लिया है, दोबारा से अपलोड पे क्लिक करेंगे सेकंड स्क्रीनशॉट को भी यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। हमने दोनों ही स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ कुछ लिखना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, आपको सेम चीज लिख देनी है। अगर आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे जाकर स्कैन करोगे वहाँ से आपको कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने लिखा है डियर इंस्टाग्राम टीम, माय इंस्टाग्राम ऐप इज ऑलरेडी अपडेटेड बट आई एम नॉट सीइंग म्यूजिक ऑप्शन, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि हमारा इंस्टाग्राम ऑलरेडी अपडेट है लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे अकाउंट पर म्यूजिक ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर आपको भी सेम चीज लिख देनी है, उसके बाद आपको सिंपली सेंड पे क्लिक कर देना है। जिसे आप सेंड पे क्लिक कर देंगे अब इंस्टाग्राम टीम के पास आपकी रिपोर्ट चली जाएगी। अब यहाँ पर आपको वेट करना है कुछ ही घंटों के बाद या फिर यहाँ पर कुछ दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम टीम आपके अकाउंट को चेक करेगी एंड जो भी ऑप्शन आपका मिस होगा, यानी कि जो आपका म्यूजिक ऑप्शन शो नहीं कर रहा होगा उसको आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। सो गाइस आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया भाई, कैसे आपको मल्टीपल फोटो में म्यूजिक को ऐड करना है, साथ ही अगर आपके अकाउंट पर म्यूजिक ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो वो आपको कैसे लेना है, सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपका अब भी कोई डाउट होता है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।